औज़ु बिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं यह वीडियो शेयर कर रही हूँ आपसे जुमातुल मुबारक के दिन की। और हम वहाँ खुमरा में सैर के बाद हम वापस आए तो मैंने टेस्ट जाते हुए मैंने चाय नाश्ते किया हुआ था और थोड़ा सा खाना खाया ज़ोर में, और फिर हम मगरिब तक वापस आ गए थे। जो हम निकले थे 3 बजे और फिर मगरिब तक हम वापस आ गए थे, और वापसी में हमने पिज़्ज़ा खाया। तो पिज़्ज़ा मंगवाया तो पिज़्ज़ा जो है ये चिकन और सब्ज़ी वाला बहुत मज़े का होता है, मुझे तो बहुत मज़े का लगता है। और साथ में समक का पहली दफ़ा मंगाया यानी कि मछली का, तो ये भी काफ़ी अच्छा था, टेस्टी था। तो ये हम टेस्ट करते हैं, और ये भी अच्छा था, मज़ेदार था। मछली के ऊपर पीसेस वगैरह लगे हुए थे और थोड़ा सा ये नरम था, और ये जो दूसरा चिकन और सब्ज़ी वाला पिज़्ज़ा था ये क्रिस्पी था थोड़ा सा, और साथ में चटनी थी। तो ऐसे मगरिब में वापस आए तो भूख लग रही थी, तो इमरजेंसी थोड़ा सा नाश्ता करने के लिए ये पिज़्ज़ा खाया, और साथ में हमने बादामों वाला दूध वगैरह बनाया। और फिर इसलिए आपसे भी शेयर कर रहे हैं, तो बहुत टेस्टी था पिज़्ज़ा ये, जो मछली वाला भी और चिकन मुर्गी वाला तो मैं अक्सर मंगाती रहती हूँ जब कभी ऐसा अचानक भूख लगे। साथ में पकौड़ों का प्रोग्राम बना ईशा टाइम, तो साथ में मसाला पकौड़ों का भी तैयार कर लिया हमने। और मेरा हस्बैंड थोड़ा बाहर निकले तो फ्रूट ले आए वापसी में, तो ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह चेरी यहाँ बहुत अच्छी मिलती है, और बनाना थे और आड़ू दाड़ थे, काफ़ी फ्रेश फ्रूट था माशाल्लाह से, और बहुत मज़ेदार था। मीठा चेरी बहुत मीठी होती है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मुख्तलिफ मुल्कों का होता है फ्रूट्स, तो अनार जो होते हैं वो यमन के मीठे होते हैं, और इसी तरह मुख्तलिफ मुल्कों का फ्रूट किसी का अच्छा होता है और किसी का मीठा और किसी का खट्टा। साथ में हमारा पकौड़ों का मसाला तैयार हो गया, और रमज़ान की याद ताज़ा हो गई है। हमारे साथ विज़िट करें और दुआओं में याद रखें। मैं बोल रही हूँ जद्दा सऊदी अरब से, और मेरे चैनल का नेम है स्टार व्लॉग। जो चैनल पे नए हैं वो स्टार व्लॉग को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद शेयर करें, लाइक करें, और प्यारे प्यारे कमेंट्स दें। और हम साथ में चेरी टेस्ट कर रहे हैं, हमारे साथ रहिए। बाय बाय। दही दही की चटनी बनाना, पुदीने की चटनी दही की बना लेते हैं। तो ये फ्रूट के लिए टोकरी ले आए आप, अगर दूसर ले आते तो जिसकी जूस बनाते हैं, फिर किसी वक्त इसका जूस बनाएंगे या शेयर करेंगे। तो ये प्याज चाहिए।